हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुमिस में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। और जैसा कि हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समास लगभग हम लोगों ने खत्म ही कर लिया है, तत्पुरुष समास में दो समास और बचा है, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, जो कि आज के इस क्लास में जो है समास चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें संबंध तत्पुरुष समास की, तो संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के। इसे षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, षष्ठी। तो आप इसे जो है षष्ठी तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, तत्पुरुष समास। देखिए, होता क्या है कि जब हम शब्द का, दिए गए शब्द का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे, तो उसके बीच में का या फिर की या फिर के जब हमारा कारक चिन्ह आता है, तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। चलिए हम लोग उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा राजपुत्र, राजपुत्र का जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का पुत्र। ऐसे ही हमने कहा राजकुमार, राजकुमार इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का कुमार। ऐसे ही राज, राजाज्ञा इसका विग्रह क्या होगा? राजा, राजा की आज्ञा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीच में जो है कारक चिन्ह यहाँ पर का आया हुआ है, यहाँ पर भी का आया है और यहाँ की आया है। तो ये कारक चिन्ह किसका है? संबंध का। तो यहाँ पर जो है संबंध तत्पुरुष समास होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा दीपावली, दीपावली में कौन सा समास है? दीपावली जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा दीपों की अवली, दीपों की अवली। अवली मतलब क्या होता है? अवली मतलब होता है कतार, लाइन। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं की कारक चिन्ह आया हुआ है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा देश रक्षा, देश रक्षा। देखिए, इसमें भी यही समास है, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये होगा देश की रक्षा, देश की रक्षा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है कारक चिन्ह की आया हुआ है। क्लियर। और भी उदाहरण होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा गंगा जल, गंगा जल इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल, का आ रहा है। या फिर भारत रत्न, यानी कि भारत का रत्न, यहाँ पर भी बीच में का कारक चिन्ह आ रहा है। तो जहाँ पर भी विग्रह करने पर का, की, के में से कोई भी कारक चिन्ह आएगा तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। क्लियर। ऐसे एक और उदाहरण देखिए जिसमें ज़्यादा बच्चे जो है कन्फ्यूज होते हैं। उदाहरण है भूकंप, भूकंप में कौन सा समास है? देखिए, जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भू का कंपन, भू का कंपन यानी कि पृथ्वी का जो है कंपन। तो यहाँ पर भी जो है का कारक चिन्ह आया हुआ है। या फिर अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए विद्यासागर, विद्यासागर ये भी एक इसी का उदाहरण है, इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या का सागर। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह का, की, के आए तो वो जो है कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए एक और समास बचता है लास्ट, जो कि अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण और अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में, पर या फिर पे भी अगर आ जाए तो यही जो है होगा, या तो इसे जो है सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति भी कहा जाता है। तो सप्तमी तत्पुरुष समास। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब दिए गए शब्द का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बीच में कारक चिन्ह के रूप में आए या पर आए या पे आए तो वहां पर जो है अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा जलमग्न, जलमग्न या फिर शोकमग्न, या फिर एक उदाहरण है लोकप्रिय, या फिर पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम हो गया, नरोत्तम भी
नरोत्तम, ये भी एक जो है इसी का उदाहरण है। मान लीजिए इन सब का हम लोग जो है जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जलमग्न यानी कि जल में मग्न ये हो जाएगा, शोकमग्न यानी कि शोक में मग्न, शोक में मग्न, ऐसे ही लोकप्रिय यानी कि लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, ऐसे ही नरोत्तम यानी कि नरों में उत्तम, नरों में उत्तम। आप देख रहे हैं यहाँ पर कारक चिन्ह के रूप में आया हुआ है सब में, तो ये जो है अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा आप बीती, आप बीती, जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा आप पर बीती, आप पर बीती, यहां पर देख रहे हैं कारक चिन्ह के रूप में पर आया हुआ है। ऐसे ही एक और उदाहरण गृह प्रवेश, ये भी जो है इसी का उदाहरण है, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। एक और उदाहरण होता है ग्रामवास, इसका हो जाएगा ग्राम में यानी कि गांव में वास, तो यहां पर भी देख रहे हैं कारक चिन्ह में आया हुआ है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा सिर दर्द, पेट दर्द, अब इसमें कौन सा समास है, इसका विग्रह कीजिए। सिर दर्द का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सिर में दर्द। यहां पर बच्चे गलती ये करते हैं कि सिर दर्द का अगर वो विग्रह करेंगे तो करेंगे सिर का दर्द, अगर यहां में की जगह जो है अगर आप का कर दिए यानी कि सिर का दर्द, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही जो है समास विग्रह होगा सिर में दर्द, क्योंकि सिर के अंदर दर्द होता है, सिर में होता है, सिर का दर्द कुछ नहीं होता है, तो इसका सही समास विग्रह होगा सिर में दर्द, और में आएगा कारक चिन्ह तो ये जो है अधिकृत तत्पुरुष आ जाएगा। वैसे ही पेट दर्द में भी इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा पेट में दर्द, क्लियर। इसमें भी देख रहे हैं में कारक चिन्ह आया हुआ है। या फिर एक और उदाहरण देखिए, घुड़सवार, घुड़सवार यानी कि ये हो जाएगा घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर कारक चिन्ह पर आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर भी कारक चिन्ह के रूप में आए, पर आए या फिर जो है पे आए, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज हम लोगों ने समास कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद करते हैं कि आपको समास अच्छे से समझ में आया होगा, और अभी तक आपने पिछली वीडियो समास की नहीं देखी है तो आप जा करके ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।